Good morning to all. Welcome to Parso International School. So what we have discussed in the last class is all about the journal. आज further start करेंगे laser क्या होता है. लेकिन एक बार थोड़ा सा repeat कर देता हूँ last class को, फिर आगे continue करता हूँ. चलिए last class में हमने क्या देखा था, देखिएगा जरा. मान लीजिए एक business है. इस business में आज बहुत से transaction हुए, मान लीजिए है ना, transaction लेन देन. क्या क्या लेन देन हुआ, मान लीजिए इन्होंने गुड्स परचेज करा, ऐसा मान लीजिए गुड्स परचेज, माल खरीदा, कुछ माल बेचा इन्होंने, मान लीजिए गुड्स सोल्ड, और ऐसे बहुत से लेन देन हुए, माल खरीदा बेचा ऐसे करके बहुत से लेन देन हुए, ऐसा मान लेते हैं. मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला था, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है एक बिजनेस के अंदर, जो भी लेन देन होता है, उसको हम सबसे पहले एक बुक में लिखते हैं जिसको बोलते हैं जर्नल, है ना. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था जो भी ट्रांजेक्शन होता है अकाउंटेंसी में मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप क्या होता है, उसको एक बुक जिसका नाम है जर्नल उसमें लिख दो, जर्नल. और इसमें लिखने को क्या बोलते थे अपन, मैंने आपको बताया था एंट्री करना, या उसको बोलते थे अपन रिकॉर्ड करना, है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉर्डिंग या एंट्री करना, एंट्री. चलिए जर्नल में एंट्री कर दी. तो ट्रांजेक्शन जब भी होता है उसको पहली बार अकाउंटेंसी में जहां लिखा जाता है, जिस बुक में लिखा जाता है, दैट बुक इज नोन एज जर्नल. एंड द प्रोसेस बाय विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इज नोन एज एंट्री और रिकॉर्डिंग. सो अब एक छोटी सी चीज समझिएगा, मान लीजिए ये जर्नल, लेट सपोज इट इज अ जर्नल. जर्नल में क्या होता है, ये ऐसी ही एक बुक होती है जिसको हम जर्नल बोलते हैं. उसमें क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है ना, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं. मान लीजिए आज हमने सुबह सुबह राम को गुड्स भेजी, तो मैंने यहां लिख दिया. मां ऐसा देखिएगा, आप लोग एक बार समझने की कोशिश करना, मैंने यहां लिख दिया. वो जो भी एंट्री करते हैं, एक फॉर्मेट होता है अकाउंटेंसी में, हर चीज का डेबिट क्रेडिट होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे. मान लीजिए मैंने एक सिंपलिसिटी लैंग्वेज में यहां लिख दिया राम 5000. फिर थोड़ी देर बाद मैंने मोहन को माल भेजा, मोहन 8000. फिर मैंने सोहन से माल खरीदा, सोहन 5000. फिर मैंने राम को वापस भेजा 8000 का. ऐसे करके मैंने फिर ये पेज ओवर हुआ, नेक्स्ट पेज यूज किया, यहां से स्टार्ट, ऐसे करके ये प्रोसेस चलती रहेगी. आज के पूरे जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है पूरे दिन भर के, वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे. फिर नेक्स्ट डे जब कल आएगा, कल से फिर वापस रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे करके दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना, ये चलती रहेगी. लेकिन यह एक प्रॉब्लम आती, प्रॉब्लम क्या है, आपने ट्रांजेक्शन को लिख तो लिया, कोई इश्यूज नहीं है, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया. अब दिक्कत यह है, मान लीजिए 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद राम आपके पास आता है, राम जिसको आपने गुड्स भेजी थी, और वो आके आपको कहता है कि अपना हिसाब जो है वो देख के बता दो जो भी है, और ले दे लेते हैं ना, जितने रुपए आप लोग ट्रांजेक्शन हुआ उस हिसाब से, मतलब आप ये बता दो कितने रुपए बैलेंस है मेरा, कितने रुपए देना है. अब आप क्या करेंगे, एक बार सोचिए आप. अब जनरली बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि सर एक काम करते हैं, ये जर्नल जिसमें अपन ने ट्रांजेक्शन को लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, उसको ओपन करो और उससे देख लो. चलो देखना स्टार्ट करते हैं. मैंने सबसे पहले यहां से चेक करना स्टार्ट किया, तो पता लगा राम 5000, फिर राम थोड़ी देर बाद 8000, ऐसे करके मैं कितने पैसे लिखूंगा और कितना टाइम लगेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि प्रॉब्लम क्या है, मैं देख सकता हूं जर्नल में सब कुछ लिखा हुआ, ये मुझे सब कुछ ट्रांजेक्शन बता देगी, ये मुझे सब कुछ बता देगा कि कितना बैलेंस है, लेकिन इट विल टेक टाइम, समय लगेगा. राम कभी यहां लिखा हुआ, फिर यहां लिखा हुआ, फिर फटाफट में देखूंगा यहां. और मैंने जो मेरी शॉप, मेरा जो बिजनेस है, मेरी फॉर्म है, वो सिर्फ राम के लिए ओपन थोड़ी करेंगे कि मैं सिर्फ राम के ट्रांजेक्शन देखूंगा. मेरे पास और भी बहुत से कस्टमर है, मेरे पास और भी बहुत सा काम है, तो मैं सिर्फ राम पे इतना फोकस नहीं कर सकता. तो अकाउंटेंसी में क्या होता है कि आपने अगर ट्रांजेक्शन को सिर्फ जर्नल में लिखा, इससे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो हो गया, लिख लिया आपने, लेकिन इससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाई. इसलिए अकाउंटेंसी में क्या किया जाता है, हर ट्रांजेक्शन को सबसे पहले जर्नल में लिखते हैं, फिर एक और जगह लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं लेजर. लेजर में क्या होता है, ये जर्नल से बनाया जाता है और ये इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा. लेजर क्या होता है, लेजर भी एक बुक होती है ऐसी, ये जो जर्नल थी ना ऐसी एक और बुक होती है लेजर, बस दोनों में थोड़ा सा फर्क है. जर्नल में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को डेट वाइज लिखते हैं, जैसे आज 20 जुलाई है, तो 20 जुलाई के आज राम कुमार बेचा राम, फिर श्याम, हरि, मोहन, सीता, मतलब 20 जुलाई चल रहा है डेट वाइज.
लेकिन लेजर में ऐसा नहीं होता। लेजर में क्या करते हैं, पार्टी वाइज चलते हैं। पार्टी वाइज मतलब लेजर में क्या होता है, मान लीजिए लेजर बुक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर ये जो फर्स्ट पेज है इस पे लिख दिया राम अकाउंट। राम अकाउंट मतलब ये राम का अकाउंट है, राम का खाता, इसमें सिर्फ राम के ही लेन देन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हरी अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, मतलब इस पर मैं डेट वाइज नहीं जाऊंगा, पार्टी वाइज जाऊंगा। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने राम से मान लीजिए माल खरीदा, ये राम को माल बेचा, सबसे पहले तो आपने जर्नल में लिखा राम, फिर आपने क्या किया या लेजर में उसका एक अकाउंट खोला राम अकाउंट, उसमें भी आपने लिख दिया। फिर आपने मोहन से माल खरीदा, आपने जर्नल में तो वही लिखा मोहन, लेकिन लेजर में आपने क्या किया, नेक्स्ट पेज में मोहन का अकाउंट। फिर थोड़ी देर बाद आपने राम से माल खरीदा, जर्नल में आपने वही एंटर किया उसी पेज पे, लेकिन लेजर में आपने राम के अकाउंट में लिखा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एक बार समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए जर्नल है, ये जर्नल है, इसमें तो अपन क्या चलते हैं, डेट वाइज चलते हैं। आज मान लीजिए 20th जुलाई, यहां लिख दिया 20th जुलाई, मैंने राम से माल खरीदा, मैंने यहां लिख दिया राम, मान लीजिए। फिर मोहन से, फिर थोड़ी देर बाद राम से, फिर मोहन से, फिर हरी, ऐसे चला 20th जुलाई चल रहा है, ये होती है जर्नल डेट वाइज। लेकिन लेजर में क्या होगा, फर्स्ट मान लीजिए लेजर मतलब एक बुक जिसमें मैंने फर्स्ट पेज पे लिख दिया राम अकाउंट, तो उस पेज पे सिर्फ राम के ही लेन देन लिखूंगा। नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख दिया हरी, तो उस पे हरी भी चलेगा, उससे आगे मोहन, ऐसे करके। तो मान लीजिए मैंने आज राम से माल खरीदा, तो सबसे पहले मैंने जैसे ही माल खरीदा मैंने यहां लिखा मान लीजिए जर्नल में 5000, और हाथ तो हाथ मैंने राम के अकाउंट में भी लिख दिया 5000। थोड़ी देर बाद मैंने मोहन से खरीदा 8000, जर्नल में तो इसी पेज पे लिखा, लेकिन लेजर में मैं राम के अकाउंट में नहीं लिखूंगा, हरी का अलग से अकाउंट बनाऊंगा नेक्स्ट पेज पे, वहां मैंने लिखा। फिर मैंने राम से वापस खरीदा 10000 का, मान लीजिए जर्नल में उसी पेज पे चल रहा, लेकिन लेजर में मैं राम का अकाउंट ओपन करूंगा और वहां ले जाके मैंने लिख दिया 10000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जर्नल में क्या होता है, जर्नल में हम पार्टी नहीं देखते हैं, जर्नल में डेट इंपोर्टेंट है, आज की डेट के सारे ट्रांजेक्शन यहां एंटर होंगे, चलता रहेगा राम मोहन हरी जैसे जैसे ट्रांजेक्शन। लेकिन लेजर में क्या होता है, राम के सारे लेन देन राम के अकाउंट में, मोहन के सारे लेन देन मोहन के अकाउंट में, हरी के सारे लेन देन हरी के अकाउंट में। इसे बोलते हैं लेजर। लेजर को हिंदी बोलते खाते, है ना, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, खाता बना, खाते बना, ये मैंने यहां लिखा। अब मान लीजिए 10 दिन बाद आके राम मेरे को बोले कि भाई साहब आप ऐसे कितने पैसे लेने या देने जो भी है, तो क्या मुझे इसको देखने की रिक्वायरमेंट है, नहीं। अगर मुझे राम का बैलेंस चेक करना है मुझे यहां नहीं आना, मुझे कहां जाना चाहिए, राम के लेजर में, राम के अकाउंट में, वहां जाकर देख सकता हूं राम का बैलेंस कितना है, 15000। तो एक ट्रांजेक्शन को अकाउंट में दो जगह लिखा जाता है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है सबसे पहली बार हम कहां लिखते हैं, जर्नल, और उसके बाद उसी ट्रांजेक्शन को हम कहां लिखते हैं, लेजर। जर्नल हिंदी में इसको जर्नल ही बोलते हैं, रोज नामचा जर्नल, और लेजर खाते। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो डिस्कस करनी है। नंबर फर्स्ट, ए ट्रांजेक्शन इज फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड हियर, जर्नल, सबसे पहली बार जहां लिखा जाता है उसे बोलते हैं जर्नल, और सेकंड टाइम जहां लिखा जाता है उसे बोलते हैं लेजर। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, लेजर मतलब खाता। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, जब हम ट्रांजेक्शन को जर्नल में लिखते हैं इसको बोलते हैं एंट्री करना, रिकॉर्ड करना। लेकिन जब हम ट्रांजेक्शन को लेजर में लिखते हैं, जर्नल से लेजर में, इसे बोलते हैं पोस्टिंग करना, हिंदी में बोलते हैं खतौनी। खतौनी क्या होती है, पोस्टिंग क्या होती है, लेजर में लिखने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं पोस्टिंग। मतलब राम, ये जो जर्नल है, ये जो राम का ट्रांजेक्शन है, ये राम के अकाउंट में, मोहन का मोहन के अकाउंट में, राम के अकाउंट में, मोहन का मोहन के अकाउंट में, हरी का हरी के अकाउंट में, ये जो प्रोसेस है अकाउंट में लिखने की, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोस्टिंग। खतौनी करना, खातों में लिखना, इसका मतलब एक ट्रांजेक्शन को हम दो जगह लिखते हैं। इन दोनों में बेसिकली फर्क क्या है, अपन जब सब्जी मंडी से सब्जी लेके आते हैं, आपको पता है एक ही बैग होता है हमारे पास जिसमें हम उसी में ऑनियन है, उसी में टोमेटो है, उसी में चिल्ली है, और उसमें बाकी सारी सब्जियां भी रहती। लेकिन घर में आने के बाद क्या करते हैं, अलग अलग, घर में आने के बाद पोटेटो एक जगह होता है, ऑनियन एक जगह होता है, चिल्ली अलग रखते हैं, सबको अलग अलग करते थे, एग्जैक्टली लाइक दैट। जर्नल क्या है, जिसमें सारे ट्रांजेक्शन एक साथ है, राम हरि मोहन सोन, क्योंकि ये डेट को इंपोर्टेंस देता है, इसको पार्टी से कोई लेना, आज के दिन लेन देन यहां होने चाहिए।
लेकिन लेजर में क्या होता है, लेजर मतलब वो घर पे आने के बाद उसको अलग अलग करता है। ये जो राम के ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ राम के अकाउंट में जाना चाहिए, राम वाले राम में, मोहन वाले जो भी है वो मोहन के अकाउंट में, हरि वाला हरि के अकाउंट में, मतलब हम अलग अलग कर रहे हैं। इसीलिए इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ समराइज करना, ये इसको एक वर्ड बोल सकता हूँ क्लासिफिकेशन, है ना, इस ये जो प्रोसेस है ना पोस्टिंग करने को, इसको एक और वर्ड बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन। आप जानते क्लासिफिकेशन को हिंदी बोलते वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब वर्ग बनाना, क्लासिफाई करना, अलग अलग करना, राम राम एक जगह, हरी हरी एक जगह। सो ये अकाउंट में आपको मैंने थर्ड चीज पढ़ा, फर्स्ट मैंने पढ़ाया था कलेक्शन ऑफ वाउचर, वाउचर को कलेक्ट करो, फिर सेकंड पढ़ाया था जर्नल एंट्री करो, जर्नल में एंट्री करो ना सेकंड से, और आज थर्ड बोला मैंने लेजर बनाओ। लेजर को एक और वर्ड बोलता है अकाउंट, खाते। तो आज हमने एक चीज सीखी कि अकाउंटेंसी के अंदर एक ट्रांजेक्शन को दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है, दो जगह लिखा जाता है, फर्स्ट जर्नल और फिर जर्नल से लेजर, फर्स्ट जर्नल और फिर जर्नल से लेजर। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप नॉर्मली अकाउंटेंसी को छोड़िए, आप लोग जब भी अपने आस पड़ोस में किसी फॉर्म में या किसी शॉप पे जाते हैं, आप देखते हैं कि जैसे ही आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उससे, उस शॉप से, जब भी कोई आप लेन देन करते हैं, कुछ माल खरीदते बेचते हैं, एक बार तो वो क्या करता है, एक पेज पे लिख लेता है, जैसे आपको दिया आपके नाम से लिख लिया, किसी एक्स को दिया एक्स के नाम से, वाई को दिया वाई के नाम से, एक ही पेज पे लिख देता है, वो है जर्नल। लेकिन फिर आपके जाने के बाद शाम को जब उसको टाइम मिलता है, वो क्या करता है, वो जर्नल जो पेज था उससे क्या करता है, आपका जो ट्रांजेक्शन है आपके अकाउंट में लिखता है, जो एक्स का था वो एक्स के अकाउंट में लिखता है, जो वाई का था वो वाई के अकाउंट में लिखता है, उसे बोलते लेजर। तो दो स्टेप होते हैं, दो जगह लिखा जाता है। तो कुछ छोटी छोटी बातें जो निकल के आई है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को जर्नल में लिखेंगे, देयर आफ्टर जर्नल से सेकंड टाइम ट्रांजेक्शन को लेजर में लिखेंगे। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, जर्नल में जो लिखते हैं फर्स्ट टाइम उसे बोलते हैं एंट्री करना, एंट्री करना, लेकिन जर्नल से जब लेजर बनाते हैं इसे बोलते हैं पोस्टिंग करना, पोस्ट करना, पोस्ट मतलब क्लासिफाई करना, भेजना। इसका एक और नाम होता है रिकॉर्डिंग, जर्नल में लिखने को बोल सकते हैं एंट्री करना या रिपोर्ट करना, और लेजर बनाने को हम बोल सकते हैं पोस्टिंग करना या क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना। यह एक छोटी चीज समझनी, अकाउंट क्या होगा, अकाउंट मीन्स एक ऐसी जगह जहां एक सिमिलर पार्टी के सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे राम का अकाउंट मतलब राम के सारे लेन देन एक ही जगह, हरी अकाउंट मतलब ये वो जगह है जहां हरी के सारे ट्रांजेक्शन मिलेंगे, मोहन अकाउंट मतलब ये वो जगह है जहां मोहन के सारे ट्रांजेक्शन मिले, अकाउंट। सो अकाउंट मीन्स द सिमिलर ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, सिमिलर सिमिलर जो भी ट्रांजेक्शन है उसको एक ही जगह लिखने को, दैट प्रोसेस इज नोन एज अकाउंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रिएशन ऑफ लेजर, लेजर बनाना। तो अकाउंटेंसी में हमने धीरे धीरे पढ़ा, हम यहां तक पहुंच गए, अभी यहां तक और पढ़ना, दो तीन स्टेप और पढ़ना, तो आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये आपको समझ आया, बहुत इजी था। चलिए तो इसको मैं बोलता हूं, एक ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम यहां लिखा जाता है, देयर आफ्टर यहां लिखा, इसीलिए इसको अपन एक और वर्ड बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि सबसे पहले अपन यहां लिखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट एंट्री, प्राइमरी एंट्री, और यहां सेकेंड टाइम लिखते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ओके, सो अब तक जो हमने पढ़ लिया उसको एक बार बता देता हूं मैं, इससे याद रखिएगा डेली रिकॉल करना आपको। अभी तक हमने अकाउंटेंसी में जो पढ़ा है वो ये है, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वाउचर, कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनके वाउचर होने चाहिए, उनको कलेक्ट करो वाउचर, फिर वाउचर को कलेक्ट करने के बाद उसे सबसे पहले रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करो आप कहां पे, जर्नल में, जिसको एक और वर्ड बोल सकता हूं मैं एंट्री का, हां जी। फिर रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट क्या करना आपको, मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करो, क्लासिफाई का मतलब बांटो, यहां तो आपने सारे ट्रांजेक्शन एक साथ लिख दिए, फिर राम को राम की जगह हरि को हरि, इसको एक और बोल सकता हूं लेजर बनाना, है ना, क्रिएशन ऑफ लेजर, लेजर क्रिएट कर, पोस्टिंग बोल सकते हो आप। तो अब तक हमने यहां तक पढ़ लिया, ये अकाउंटिंग, अभी नेक्स्ट आगे और जाना है, वो नेक्स्ट क्लास से देखिए, है ना। चलिए तो अभी ये तीन चीजें आराम से समझे, लास्ट क्लास के वीडियोस भी वापस देखें, उनको सोचें क्या हो रहा है अकाउंटिंग से। हैव अ नाइस डे।